लास्ट टाइम हमने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की बात की और मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा केस बताया कि सपोज करो आपके पास कोई भी एक ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ क्या करता है, स्लाइड, स्लाइड का मतलब होता है घिसटता हुआ जाता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट इसमें? फ्रिक्शन रूल चेंज नहीं करती, फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट ही काम करती है। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया था अपना चलने का एग्जांपल। जब हम चलते हैं तो पैर को पीछे की तरफ प्रेस करते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करती है, आगे। सेकंड रूल भी क्लियर है, फ्रिक्शन हेल्प करती है हमें इन वॉकिंग। तीसरा सुनो, तीसरा रूल, हमने वैसे बेल्ट वाला एग्जाम्पल भी किया था, बेल्ट के ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया जाए तो जो ब्लॉक है वो बेल्ट के साथ मूव करना शुरू कर देता है, तो फ्रिक्शन हेल्प करती है उस ब्लॉक को आगे मूव करवाने के लिए। ये भी डिस्कशन हुई थी। नेक्स्ट केस है, सपोज करो आपके पास एक टायर है, ठीक, एक टायर है। वैसे इस चैप्टर में हम टायर्स और स्फेयर्स या डिस्क या रोटेशनल मोशन की फ्रिक्शंस को डिस्कस नहीं करते, उस फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो रोटेशनल मोशन के अंदर जो फ्रिक्शंस काम आती हैं, अभी 2 महीने पड़े हैं, 2 महीने बाद स्टार्ट होगी, बट आज मैं ये एक चीज़ पूछना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि मेरे एक आध क्वेश्चन के अंदर ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसलिए कि अगर आपके पास एक टायर है और वो घूमता हुआ आगे जा रहा है कुछ ऐसे, तो मेरा क्वेश्चन नंबर वन, टायर का जो लोएस्ट पॉइंट है वो इस ग्राउंड के कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बोलो कहाँ होगी, राइट की लेफ्ट? कितने लोग बोलते हैं राइट? राइट। कैसे सोचा आपने? ऐसे सोचा होगा क्योंकि ये वाला हिस्सा टायर का कहाँ जा रहा है, लेफ्ट, क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट कहाँ जा रहा है, लेफ्ट, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स राइट। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो सही सोचा आपने, सही है, तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब आपने देखा कि पार्टिकल यहाँ जा रहा है, फ्रिक्शन इस तरफ है। मेरा दूसरा असली क्वेश्चन, ये फ्रिक्शन स्टैटिक है कि काइनेटिक? क्योंकि ये बॉडी क्या करती हुई जा रही है, आगे जा रही है, तो क्या होनी चाहिए, काइनेटिक? बिल्कुल गलत है, ये स्टैटिक है। अब स्टैटिक क्यों है? काइनेटिक कब होती है? जब कोई बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस से रगड़ खाती हुई जाए, स्लाइड करती हुई जाए, घिसटती हुई जाए। ये तो घिसट नहीं रही, क्या टायर ऐसे स्लिप करता हुआ जाता है? नहीं जाता। हाँ, अगर आप ब्रेक्स लगा दें तो गाड़ी स्किड करती हुई जाती है, स्किड करती है तो काइनेटिक आ जाती है, और अगर स्किड नहीं करती, प्रॉपर घूम रहे टायर, तो कभी भी काइनेटिक नहीं है, क्योंकि स्किडिंग नहीं हो रही और स्लाइडिंग नहीं हो रही और रगड़ खाती हुई बॉडी जा नहीं रही। तो इस केस में ये माना जाता है जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ये हमेशा किसी भी इंस्टेंट पे रेस्ट पे रहेगा। क्यों रेस्ट पे रहेगा, देखो ध्यान से। सपोज ये टायर है और सपोज ये इसका लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट है। आप मेरे फिंगर को देखना, लोअर मोस्ट पॉइंट इसका एक्सिस है, पूरा का पूरा टायर इसके अबाउट टर्न कर रहा है, मेरे फिंगर के अबाउट टर्न कर रहा है। आप बस ये इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि सपोज आगे सड़क खत्म हो गई, ये फिंगर यहीं तक है, इसके पास सड़क नहीं है, तो ये टायर कहाँ जाएगा, नीचे। आप ध्यान से देखें, ये पॉइंट अभी मेरे फिंगर पे चिपका हुआ है, आप देख रहे हैं, ये देखो। तो पूरे टायर के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं और इसको एक्सिस मानते हुए, देख रहे हो। तो किसी भी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल किस पे रहेगा, एट रेस्ट। पर कोई कहता है सर प्रैक्टिकल थोड़ी ना, ये तो बात, सड़क तो है। कोई कहता है सर ये पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसकी जगह एक नया पार्टिकल आ जाएगा, तो नया पार्टिकल जो अगला होगा वो भी उस इंस्टेंट पर क्या माना जाता है, एट रेस्ट। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें काइनेटिक बोला जाएगा, काइनेटिक का तो रूल ही बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, इस दुनिया में दो ही फ्रिक्शंस हैं, या स्टैटिक है या काइनेटिक है, बस। और मैं इससे भी आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि ये बॉडी रगड़ खाती हुई नहीं जा रही ऐसे, तो काइनेटिक तो हो ही नहीं सकती, तो फिर क्या लेनी पड़ेगी, स्टैटिक। इसकी कैलकुलेशन हम आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे, आज ही नहीं करेंगे, कि टायर के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन स्टैटिक क्यों है, इसका आंसर भी फिर से दिया जाएगा रोटेशनल मोशन में, बहुत डिटेल में, और विद प्रॉपर रीजन भी दिया जाता है उस चैप्टर में, थोड़ा टॉर्क के साथ समझाया जाता है। और दूसरा इसलिए करवाया गया कि ये बिल्कुल चलने की तरह,
आपकी गाड़ी, जब आप गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में रेस दबाते हैं तो गाड़ी क्या करती है? एक्सलरेट। गाड़ी स्किड तो नहीं करती, ये तो नहीं हो रहा। आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी की स्पीड तो 100 थी और गाड़ी स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर रुकनी स्टार्ट हो गई, नहीं, गाड़ी तो चलती है। ऐसे ही है, गाड़ी स्टार्ट से चल रही है, एक्सलरेट कर रही है। अगर मैं भी भागना शुरू करूं तो मेरा पैर पीछे उतना ही जोर लगाएगा, और ताकि मैं क्या पा सकूं? एक्सलरेशन। तो इसका मतलब जब भी आप एक्सलरेशन पाना चाहते हैं तो आपको कौन हेल्प करता है? फ्रिक्शन। आप रुकना चाहते हैं तो आप बस खड़ जाएं मोशन में, तो आपके पैर खिसटते जाएंगे या टायर खिसटता जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? रिटार्डेशन। लेकिन अगर आप एक्सलरेशन चाहते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन को आपकी तरफ जाना ही पड़ेगा ताकि वो एक्सलरेशन जनरेट कर सके। तो अगर टायर के अंदर फ्रिक्शन पूछे तो डायरेक्शन आगे की तरफ समझ में आ रहा है, टायर की फ्रिक्शन स्टैटिक समझ में आ रहा है, स्टैटिक बोल रहे हैं। तो जब भी न्यूमेरिकल्स के अंदर आप देखेंगे, मैंने न्यूमेरिकल दिया भी था, होमवर्क के अंदर भी आएगा, कि एक ऑटोमोबाइल है वो एक्सलरेट कर रहा है, तो जब वो एक्सलरेट करता है तो होता क्या है, एक्सलरेशन जनरेट करने के लिए अंदर ना इसके अंदर मोटर लगी हुई है या इसमें इंजन लगा हुआ है गाड़ी में, जो इसको फोर्स दे रहा है आगे की तरफ, और ये टायर क्या करता हुआ जा रहा है? एक्सलरेट करता हुआ आगे जा रहा है। तो अगर ये टायर एक्सलरेट करता हुआ आगे जा रहा है और कोई पूछ ले कि इसकी एक्सलरेशन है क्या, तो कौन इसको प्रोवाइड कर रहा है एक्सलरेशन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू टाइम्स mg। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एक्सलेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो यही क्या एक्ट करेगा? m into a इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जी। तो ऐसे क्वेश्चन में एक्सलेशन की वैल्यू क्या पाई जाएगी? म्यू इंटू जी। तो दो टाइप की प्रॉब्लम आएंगी। पहली टाइप की प्रॉब्लम, जब भी किसी भी ऑटोमोबाइल को, गाड़ी को एक्सलरेट करना है, तेज करनी है स्पीड, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ करके उसको एम में पुट करके एक्सलेशन क्या पुट करनी है? म्यू जी। तो आपने देखा होगा एक आध न्यूमेरिकल ऐसा था भी होमवर्क के अंदर, आप एक्सलेशन को म्यू जी पुट करते हैं, नहीं होगा, अभी करवाऊंगा मैं ऐसे, तो तब मैं डिस्कस भी करूंगा ये पॉइंट कि देखा गाड़ी एक्सलरेट कर रही है, और जब एक्सलरेट कर रही है तो एक्सलेशन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो फ्रिक्शन यहां पर रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन उल्टा यहां पर एक्सलरेटिंग फोर्स है। तो जब रिटार्डिंग फोर्स होती है तो ये नेगेटिव पुट कर दी जाती है ताकि रिटार्डेशन आए, और अगर एक्सलरेटिंग फोर्स है तो ये एक्सलरेशन पॉजिटिव रखी जाती है। अगर सेम क्वेश्चन में ऐसे पूछूं, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, गाड़ी जब एक्सलरेट करेगी तो एक्सलरेशन म्यू इनटू जी। सेकेंड पॉइंट है, अगर मान लो ये आपके पास एक ब्लॉक है, गाड़ी नहीं है, ब्लॉक है, और ब्लॉक आगे की तरफ क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, और सपोज ये किस पे आ गया? एट रेस्ट। अब इसमें कौन सी फ्रिक्शन काम करेगी? काइनेटिक, 100% काइनेटिक, कि स्लाइडिंग हो रही है ना, और अगर रगड़ खाता हुआ जा रहा है, स्लाइडिंग खाता हुआ जा रहा है, तो फिर काइनेटिक ही है। अब यहां पर जब ये बॉडी आगे जाएगी तो ये रिटार्ड करेगी, विद सम एक्सीलरेशन ऑफ रिटार्डेशन ए होगी इसकी। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड रिटार्डेशन। अब देखो इसमें रिटार्डेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम इन टू ए पुट करेंगे, पर अब हम फ्रिक्शन को क्या पुट करेंगे? नेगेटिव। तो जब तो गाड़ी एक्सलरेट कर रही होगी तो ये फ्रिक्शन ही एक्सलरेट करवाएगी, वही फ्रिक्शन है जो आगे की तरफ है और वही फ्रिक्शन है जो पीछे की तरफ है, और जब एक्सलरेशन का नाम आएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पॉजिटिव इज इक्वल टू एम ए, और रिटार्डेशन रुकने की बात आएगी तो नेगेटिव पुट कर देना, माइनस म्यू टाइम्स एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो आपके पास रिटार्डेशन इसमें क्या आएगी? माइनस म्यू इन टू जी। तो आपने अपने न्यूमेरिकल्स किए भी होंगे घर पे, अभी उसमें कभी कभी माइनस म्यू जी और कभी कभी प्लस म्यू जी, तो दो ही कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होंगे, या तो गाड़ी एक्सलरेट कर रही होगी या रिटार्ड कर रही होगी। अगर फ्रिक्शन की वजह से एक्सलरेशन है तो पॉजिटिव पुट कर देना, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव पुट कर देना। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है न्यूमेरिकल करते हुए, मैं बता रहा हूँ आपको फ्रिक्शन पे। मैंने ये बताया कि अगर मान लो गाड़ी रोल करती हुई जा रही है, टायर रोल कर रहा है और एक्सलरेशन हो रही है, एक्सलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी तरफ होगी जो आपको हेल्प कर रही है एक्सलरेट होने के लिए, तो आप इसे पॉजिटिव पुट करेंगे उस केस में। तो जब आप पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये प्लस में आएगा और एक्सलरेशन प्लस म्यू जी आएगी। लेकिन अगर कोई ब्लॉक रिटार्ड कर रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो यहां पर आप नेगेटिव पुट करके एक्सलरेशन माइनस म्यू इंटू जी पुट करेंगे, ये मैंने बताया।